हाँ जी आमिर जी बोलिए, आप अच्छी बात चल रही है। हाँ ये मानव जीवन जो है वो हमारे शास्त्र बताते हैं कि इसका आधार एक कर्म है। ओके। क्योंकि पूरा जीवन ही जो मानव जीवन है किसी एक साइंस है, प्रकृति है जो साइंस है जो रूल करती है। अब वो कर्मों के अंदर जो कर्म हमने पूर्व किए हैं उसमें कुछ कर्म जो अभी परिपक्व हो जाते हैं वो प्रारब्ध कर्म बन के हमारे जीवन में हमारे सामने आते हैं। अब वो प्रारब्ध कर्म जो है वो कुछ जीना पड़ेगा, उनको सहन करना पड़ेगा। लेकिन मानव के अंदर एक मुक्ति मुक्ति दी है ईश्वर ने, ये जीवन दिया है कि भाई इस जीवन को आप अपने मन से जी सकते हो। प्रारब्ध एक आपको एक सिचुएशन ला के दे रहा है। अब सिचुएशन के सामने आपको क्या करना है वो निर्णय आपका है, और लाइफ के अंदर क्या बनना है ये आदमी को स्वतंत्रता है। तो तभी वो आदमी आगे बढ़ सकता है यदि अपनी पूरे ज्ञान को पूरे शक्ति को अच्छे कर्म में लगाएगा, ताकि वर्तमान भी ठीक हो रहा है, प्रारब्ध को फेस भी कर रहा है और आगे भविष्य को भी ठीक कर रहा है। एक सवाल सर यहाँ पे, आपने बोला प्रारब्ध पहले के पके हुए कर्म है, तो क्या ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कौन से टाइप के हो सकते हैं? ये किसी भी हर तरह के हो सकते हैं। इसमें जैसे जीवन में सुख और दुख दो द्वंद आते हैं जैसे गीता में बताया गया है। ओके। इसीलिए उन्होंने बोला कि जीवन में प्रारब्ध में आपके सामने दुख भी लाएगा सुख भी लाएगा, और गीता के अंदर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है दोनों को सहन करना पड़ेगा, दोनों में ही उद्वेग को प्राप्त नहीं होना चाहिए, वही स्थिर सहन करने के लिए हमारा क्या प्रारूप शरीर का रिएक्शन या ऑब्जर्वेशन कैसे सहन करें, मतलब उसको चुपचाप फेस करते जाएं, उसके निर्णय उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, किसी ने हर्ट किया तो उसको सहन करते जाओ, मतलब कभी कभी हम सहन नहीं भी कर पाते हैं तो फिर क्या करें? स्थित प्रज्ञा वृत्ति जो होता है, जो भी सामने हमारे अंदर जो एक आत्म भाव माननीय है या आत्मस्थिति हमारी जो है वो है दृष्टा स्थिति है। सामने जो चल रहा है वह दृश्य जगत चल रहा है, वो दृश्य जगत को देखकर हमें उसके अंदर शांत रहना पड़ता है, उसी को सहन करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अपना अपना जो कर्तव्य है या कर्म को छोड़ देना है, जो उचित हो उस समय के अंदर वो आपको करना पड़ेगा। यदि सामने विरोधी खड़ा है बंदूक लेकर तो आपको उसको विरोध भी करना पड़ेगा। ओके ओके, यही चीज मुझे समझनी थी सर कि अगर कोई बंदूक लेके खड़ा है तो आपने बोला कि साइन करते जाओ तो कैसे चलेगा फिर? सहन करना है मन की स्थिति को, मन को मन में शांत सहन करना है, शांत रहना है, फिर जो विवेक बोलता है उस स्थिति का आधार पर निर्णय लेना है। क्योंकि मन अशांत है तो कभी विवेक से निर्णय ले नहीं पाएंगे। ओहो, गीता में बोला गया उद्वेग मत कीजिए। और हमारे जो 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 हमारी योग क्रियाएं हैं या जो बताया गया अष्टांग योग बताया गया है उसमें सहन करना भी एक तरह की क्रिया है। ओके, सहन करना। और आपने एक और अच्छी चीज बोली कि किसी ने अगर आपके ऊपर गोली बंदूक चढ़ा दी है तो सहन करने का मतलब ये नहीं कि खाते जाओ और मर जाओ, बट मन को कंट्रोल में रखते हुए उसके प्रति वापस हमारा क्या होना चाहिए वो हमें सोच के निर्णय लेके रिएक्ट करना है, लेकिन मन को इम्पोर्टेंट चीज कंट्रोल करते हुए। जैसे माना हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई अधिकारी है, उन्होंने कुछ चीज बोली है, अब उस समय अधिक लोग बैठे हुए तो उचित नहीं कि उस बात का चर्चा करें। यस, बाद में जब अकेले हो तो चर्चा कर ले, उस समय आपने सहन किया, बाद में विवेक का इस्तेमाल किया तो उससे बहुत सारी डिसेस्टर्स रुक जाते हैं, मतलब आगे और ज्यादा खराब होने से हम बच जाते हैं कभी। क्योंकि हम जो अपना जीवन जीते हैं वो हमको जगत के साथ व्यवहार करना ही है। ओके। ये सब है स्थितियां कि कैसे जगत के साथ व्यवहार किया जाए। ओहो, ये सब जगत व्यवहार साथ है। हमारे अंदर जो हमारी हम तो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, हमारा जीवन है जो ईश्वर ने हमको बनाया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, और उसमें जो व्यवहार करते हैं जगत में तो व्यवहार में गुणों के द्वारा व्यवहार कर रहे हैं हम भी, और सामने वाला भी गुणों को लेकर व्यवहार कर रहा है, चाहे वो तामसिक हो राजसिक हो सात्विक हो। उसमें काम तो विवेक ने करना है, काम गुण कर रहे हैं, लेकिन गुणों के आधार पर हमें कभी प्रभाव में नहीं जाने का है। जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति करता है, जैसा गीता के दूसरे अध्याय में बोला गया है, वो क्रिया ही आदमी के लिए सफल बनाती है। सिद्ध प्रज्ञ कौन है? जो बुद्धिमान हर वक्त हर स्थिति में बुद्धि का उपयोग कर रहा है। वो तभी बुद्धि का उपयोग करेगा यदि आदमी अपने थोड़ा मन के परे है। मन के परे कब होगा? जब वो सहन करेगा, मतलब मन उद्वेग नहीं प्राप्त हो रहा है। ये शक्तियां अमिठा जी अगर प्राप्त करनी हो तो बहुत बरस लगते हैं या कम समय में भी सहन शक्तियों की आदत, सहन शक्ति हम मानते हैं कि रखना चाहिए, पर उसकी प्रैक्टिस कैसे करें?
इसमें ये है कि जैसे रमन महर्षि का हम बताते हैं, तो रमन महर्षि को एक सपने में आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। उनको एक क्षण में ज्ञान प्राप्त हो गया, हाँ, पर वो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति थे, जो उनकी वो चेतना बहुत जागृत थी, लेकिन हम वैसे नहीं हो सकते। तो हमें शास्त्र बताता है कि एक प्रक्रिया करना, जिसके अंदर योग, अष्टांग योग आता है, उसको यदि हम प्रयास करें, उसको अध्याय करें, नित्य रूप से करें, तो प्रवृत्ति परिवर्तन आता जाता है। जैसे शास्त्र बताया गया है, चित्त शुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट है, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि करने के तरीके हैं, योग भी है और साथ में जप प्रक्रिया भी है। उससे चित्त शुद्धि होती है हमारी, तो हमारा मन वैसे ही शांत होना लगता है। ऐसा नहीं कि हम जीवन में व्यवहार नहीं करेंगे, हम व्यवहार करेंगे, हम भी उचित व्यवहार करेंगे। आप देखिए, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे चिन्मयानंद जी हैं, इन्होंने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया, वो कम से कम 14-15 घंटे काम करते थे। नरेंद्र मोदी को देखिए, वो काम करता है, इसके लिए प्रेरणा क्या है? वो भी तो संन्यास के लिए बीच में 2 साल गए थे ना, अच्छा, वो सब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। तो इसके लिए आदमी के अंदर चित्त शुद्धि जितना होगा, जितना उसका लक्ष्य जीवन का व्यापक होगा, उतना वो अपने जीवन को सही दिशा में काम ले ला सकता है। बहुत अच्छा बेटा जी, आपको वापस वापस सुनने की इच्छा है, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग किया है। क्योंकि मेरे एक प्रवृत्ति है कि जब भी जो मिले उनसे कुछ अच्छी चीज हम ग्रहण कर सकें, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताया, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की इच्छा है, लेकिन आई अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, आपको भी जाना पड़ेगा वापस। धन्यवाद अमिठा जी, आज ऑफिस में ये सब अच्छा डिस्कशन करने के लिए।